तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे प्रीमियम सॉफ्टवेयर सीरीज़ में, जिसका है आज डे 4। आज हम डिस्कस करने वाला है UMT के QC फायर के बारे में, जो कि बेस्ड है क्वालकम CPU के ऊपर। प्रीवियसली हमने स्टडी किया था MTK CPU के बारे में। MTK CPU के बारे में स्टडी करने के बाद आज हम QC फायर पे वीडियो बना रहे हैं, जो कि है क्वालकम का टूल, जिसमें हम क्वालकम के फुल फ्लैश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमें ज़रूरत पड़ेगी एक UMT टूल की। UMT टूल हमें डाउनलोड करना होगा गूगल क्रोम से। तो हम क्वालकम का टूल डाउनलोड करेंगे, तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है UMT QC फायर, UMT QC फायर। लिख जाने के बाद जो GSM ऑफिशियल की लिंक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप फर्स्ट वाली लिंक, कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है। देन हमें UMT पे क्लिक करना है। नाउ हमें इनमें से कोई भी डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे ये एंड्रॉयड फाइल होस्ट की है और ये गूगल ड्राइव की है, तो दोनों ही सही रहती है। आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। देन हमारी फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो कुछ zip फाइल में आएगी, हमें सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ जिस तरीके का सेटअप दिखेगा ना, मेरा एंटीवायरस ऑन था तो इसलिए मेरी फाइल रिमूव हो गई है। अगर आप भी कभी आपका एंटीवायरस ऑन हो तो आप भी ऑफ कर ले, क्योंकि ये फाइल कभी कभी रिमूव हो जाती है। तो मैं अपना फाइल को वापस से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। वो मैं आपको एंटीवायरस ऑफ करने की भी प्रोसेस बता देता हूँ, जो नॉर्मल हर विंडोज़ में रहता है। जो डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है, मैं उसको ऑफ करने के प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने अगर थर्ड पार्टी एंटीवायरस है तो उसका प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ मैं। सिंपली आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। मेरा विंडोज़ 11 में है तो मैं विंडोज़ 11 के बता रहा हूँ। विंडोज़ सिक्योरिटी में जाने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है। तो कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी, देन हमें चले जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में। मैंने सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन है, इसको ऑफ कर देना है। ये ऑन रहता है तो इसको ऑफ कर देना है। तो फिर उसके बाद हमें वापस हमारी जिप एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो हमारा ये देखिए, हमारा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली शो हो गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करके, अगर आपने इंस्टॉल कर चुके हो तो वो नहीं करना है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं डबल से इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो आपको सिंपली यहाँ डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। बहुत इजी रहता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जो मैं MTK टूल में बताया वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगी क्वालकॉम टूल में, ठीक है। जब हमारा टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, क्वालकॉम का लोगो बना होगा उसके अंदर। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करके ऑन कर लेना है। इसको परमिशन दे देना है यस की। थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, अगर एक बार में नहीं होता तो आप दो बार डबल क्लिक करके ट्रिगर कर सकते हैं इसको डबल। देखिए हमारा टूल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। कुछ देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे मोटो बूट रिपेयर, क्वालकम मोड, सोमी FB फ्लैशर, नोकिया NBO फ्लैशर, फ्लैशर रेडियन टूल, सोमी स्पेशल, एडवांस फ्लैशर, फिमवेयर एक्सट्रैक्टर। तो हम इस सब को ऑप्शंस को एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं फ्लैशर ऑप्शन, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। फ्लैशर ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम मोबाइल को फ्लैश कर सकें। हमारा मोबाइल अगर लोगो पे आ रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको फ्लैश कर सकें। तो इसके लिए सबसे मेन फाइल जो रहती है हमारी, रहती है रॉ प्रोग्राम फाइल। जैसे कि हमने MTK में देखा था कि जो उसमें मेन फाइल रहती है वो रहती है हमारी स्कैटर फाइल, उसी तरह जो क्वालकम के CPU रहते हैं उसमें रहती है रॉ प्रोग्राम जीरो फाइल। तो आपने जो भी फर्मवेयर डाउनलोड कर करा हो उसमें आपको सिंपली रॉ प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट कर लेना है। अभी अभी मैं आपको फाइल सिलेक्ट करके नहीं बताऊंगा, आपको बता रहा हूँ कि ये फाइल कहाँ से होती है, मतलब ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करना है। अगर हम फाइल सिलेक्ट करेंगे जब जब हम फ्लैशिंग का वीडियो आएगा, जब हम फ्लैशिंग करेंगे ना, जब हम फाइल सिलेक्ट करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है वैसा भी। तो हम अभी
आपको ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है हमारा, सिंपली फिम्बर सिलेक्ट करके रो प्रोग्राम फाइल 0 सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सारा जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारी सारी फाइल शो हो जाएगी जो जो हमारे फिम्बर में है, यहाँ से शो हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन है पेज का। अगर ये पेज का ऑप्शन है, अगर आप कस्टम पेज करना चाहते हैं तो उसके लिए रहता है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट आपको ओनली एक फाइल सिलेक्ट करना होती है, रॉ प्रोग्राम फाइल। बाकी जो पेज फाइल रहती है उसको हम, अगर आप अपने हिसाब से कस्टम करना चाहते हैं तो इसलिए कस्टम पेज फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और इधर से आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहें हमारी फाइल में तो वो भी कर सकते हैं। देन हम इधर आ जाते हैं कि हम हमारे फ्लैश ऑप्शंस में, तो फ्लैश ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो पहले ऑप्शन का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन डाटा, ये जो हमारा कैलिब्रेटेड डाटा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ऑप्शन है इसको टिक करना होता है कि हमारा फ्लैशिंग करने के बाद हमारा जो कैलिब्रेटेड डाटा है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, सेंसर्स वगैरह का, तो वो प्रोटेक्ट रहे, वो मतलब फ़ोन से रिमूव ना हो। देन सेकंड ऑप्शन है रिबूट व्हेन फिनिश्ड। ये ऑप्शन का मीनिंग ये है कि जैसे हमारे फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए फ़ोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है, तो ये फीचर का काम है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है पेज एमआई अकाउंट। पेज एमआई अकाउंट ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं हम ताकि हमारा एमआई अकाउंट रिमूव हो सके। अगर आपके फ़ोन में एमआई अकाउंट लगा है और फिर आप फ्लैशिंग कर रहे हो तो इस पर टिक करने के बाद आपका फ़ोन का एमआई अकाउंट सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। देन हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है रीड एफआरपी आफ्टर फ्लैश, सॉरी रीसेट एफआरपी आफ्टर फ्लैश। तो यह जो आपका फ़ोन का एफआरपी है, एफआरपी लगा हुआ है, जो एफआरपी लॉक लग जाता है गूगल अकाउंट लॉक, वो आपका फ्लैशिंग के बाद रिमूव हो जाएगा अगर आपके फ़ोन में लगा होगा तो उसको टिक कर देना है आपने। देन लास्ट है रीड इन्फो वैन फ्लैशिंग। जैसे ही हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑप्शन ये काम में आता है कि हमारी जो मोबाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा रीड करके। देन हम चले जाते हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन में रीड एंड टूल्स ऑप्शन। ये ऑप्शन स्पेशली है अनलॉकिंग के लिए। ये ऑप्शन से हम हमारे फ़ोन को अनलॉकिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के क्वालकम के सीपीयू के फ़ोन्स को अनलॉक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप ब्रांड वाइज करना चाहते हैं तो ब्रांड वाइज भी कर सकते हैं, या यूनिवर्सली करना चाहते हैं यूनिवर्सली भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड है, तो हमें सिंपली हमारे मॉडल के हिसाब से ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा एम आई का फ़ोन है तो हम एम आई का ब्रांड सिलेक्ट कर लेंगे, सोमी। देन हमें मॉडल सिलेक्ट करना है, जैसा मेरा नोट 4 है तो मैं नोट 4 सिलेक्ट कर लूँगा, नोट 4 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क रन कर सकता हूँ, तो एक एक करके हम बताएंगे टास्क के बारे में। जैसे ही आपको यहाँ पे पहला टास्क दिख रहा है रीड इन्फॉर्मेशन का, तो देन जैसे ही हम हमारा फ़ोन ईडीएल मोड में या फिर नॉर्मल मोड में लगाएंगे तो ये इस पर क्लिक करके हमारी जो फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर लेगा। इसे हमें ईडीएल मोड में ही कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसा कि शो हो रहा है कि टर्न ऑफ योर फ़ोन एंड होल्ड ईडीएल केबल बटन एंड इंसर्ट टू फोन एंड प्रेस वॉल्यूम प्लस पावर ऑन मोर देन 3 टाइम्स। मतलब अलग अलग फ़ोन के अलग अलग ईडीएल ट्रिगर करने के ऑप्शन रहते हैं। कोई कोई फ़ोनों में ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना होता है, कोई कोई फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन दबाना होता है, और कोई कोई फ़ोन में हम ईडीएल केबल भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड ऑप्शन आता है रीड फर्मवेयर का। ये जो हमारे फ़ोन का फर्मवेयर रहता है उसका रीड कर लेता है, उसमें जितनी भी फाइलें आपको शो कर देगा यहाँ पे। जैसे हम रीड फर्मवेयर पे क्लिक करते हैं, देन अगेन ये ऑप्शन मांगेगा हमारे फ़ोन को कनेक्ट करने का। कनेक्ट करने के बाद हमारा फर्मवेयर रीड कर लेगा ये। देन आता है ऑप्शन रीड पैटर्न का। ये ऑप्शन यूज़ेबल तो है, बट ये आज के कल जो फ़ोन्स आ रहे हैं लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी के, उसमें ऑप्शन वर्क नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपका एंड्रॉयड वर्जन मस्ट भी होना चाहिए 5.1 से नीचे, मतलब डाउनग्रेडेड वर्जन होना चाहिए आपका, एंड्रॉयड 5.0 से नीचे होना चाहिए तभी आपका ये ऑप्शन वर्क करने वाला है, वरना आपके फ़ोन में ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। ये रीड पैटर्न ओल्ड मेथड हो गई है, अभी लेटेस्ट के फ़ोनों में तो वर्क नहीं करती। देन हम नीचे आ जाएंगे तो हमें ऑप्शन दिखेगा रूट का। ये फ़ोन रूट का ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम हमारे फ़ोन को रूट कर सकें, ताकि हमारा बूट लोडर अनलॉक कर ले, या फिर वेरियस हमारा जो आई एम आई वगैरह रहता है उसको ट्रिगर करने के काम में आता है, आई एम आई रिपेयर वगैरह करने के काम में आता है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश क्यू।
फ्लैश QRI, ये QRI फाइल फ्लैश करने के काम में आता है। हमारे फ़ोन में अगर QRI फ्लैश करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देन फिक्स 9008 पोर्ट, तो ये ऑप्शन इसलिए काम में आता है कि हमारा जो क्वालकम का HSFUSB पोर्ट है, अगर उसमें कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ से सिंपली वन क्लिक करके फिक्स कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शन है बूट लोडर अनलॉक रीलॉक, यहाँ से आप हमारा जो फ़ोन का बूट लोडर आता है उसे आप अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। देन हमारा MDM लॉक अनलॉक आ जाता है। ये MDM अनलॉक भी कुछ कुछ फ़ोनों में वर्क करता है, मैनुअली ये वर्क नहीं करता जनरली, ये ऑप्शन बहुत कमी से वर्क करता है। MDM लॉक मीन्स आप फाइनेंस लॉक समझ सकते हैं, KG लॉक समझ सकते हैं, उसके लिए आता है, ये अनलॉक करता है। और अगर ये ऑप्शन वर्क भी करे तो ये चीज़ आपको करना नहीं है, टोटली चीज़ इलीगल होती है, आपको ये टास्क कभी परफॉर्म नहीं करना है। देन हम नीचे आ जाएंगे तो DFU to EDL मोड, तो ये जो ऑप्शन है ये EDL मोड के थ्रू फ़ोन को DFU मोड में ले जाता है। देन ये FTM to EDL मोड, जैसा कि आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से काम करता है ये। आपको FTM मोड में फ़ोन को कर लेना है, ये FTM मोड से EDL मोड में ले जाएगा। और इधर भी सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, ये हमें DFU मोड में करना है, तो यहाँ से DFU मोड से आपको EDL मोड पे ट्रिगर कर देगा, अगर आपका मोबाइल डायरेक्टली EDL मोड में नहीं जा रहा है तो। और यहाँ से दोनों को सेट कर सकते हैं, सेट बोथ, और यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से सीधे एक्टिव कर सकते हैं। देन हमें चले जाना है हमारे अगले ऑप्शन पे जो है फॉर्मेट रिसेट। ये हम सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं हमारे फ़ोन में अनलॉकिंग में, और सबसे ज़्यादा यही ऑप्शन यूज़ में आता है। तो जैसे ये ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ तक के, ये फ़ोन का डाटा बचा के अनलॉकिंग करने के काम में आते हैं। ये मीन्स जनरली सारे फ़ोन में वर्क तो नहीं करते, बाकी आप यूज़ करके देख सकते हैं, जैसे डिसेबल लॉक, रिस्टोर लॉक, या आपका लॉक तो रिमूव कर देते हैं, बाकी आपका डाटा बचा लेते हैं। देन ये आ जाते हैं हमारे फिफ्थ ऑप्शन पे। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट FS का, ये यूज़ होता है हमारे फ़ोन को फॉर्मेट करने के लिए। अगर हमारा फ़ोन पैटर्न में है, पिन लॉक है, तो अगर उसको हम ये ऑपरेशन ट्रिगर कर एग्जीक्यूट कर दे फ़ोन के अंदर, तो हमारा जो पैटर्न है, पिन है, वो रिमूव हो जाता है, हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है। और FS मीन्स ये हमारा फ़ोन फॉर्मेट करने के साथ साथ FRP भी रिमूव कर देता है। देन FS2, अगर ये मेथड काम नहीं करती है तो अगर आप ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हो वीवो में, देन हमारा फ़ोन फॉर्मेट तो हो गया, बट उसमें अगर FRP नहीं निकला है फॉर्मेट होने के बाद भी, तो आप इधर रिसेट FRP का ऑप्शन डबल से यूज़ कर सकते हो। देन अगला ऑप्शन आ जाता है वीवो फॉर्मेट FRP, ये भी सेम ही है कि अगर आपका फ़ोन का उन मेथड से काम नहीं हो रहा, उस मेथड से फॉर्मेट नहीं हो रहा, तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अलग अलग फ़ोन के हिसाब से अलग अलग मेथड रहती है। देन सिक्योर रिसेट का ऑप्शन है, तो ये आपका सिक्योरली फ़ोन को रिसेट कर देगा। अलग अलग फ़ोन के अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। देन हमारा लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट चिप। ये जो फॉर्मेट चिप वाला ऑप्शन है इसको हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा जो हमारा MMC या फिर UFS रहता है उसको कम्प्लीटली इरेज कर देता है। जो भी हमारा CPU MMC रहेगा उसको कम्प्लीटली इरेज कर देगा, तो हमें इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो जितना भी सारा लॉस हो जाएगा, फिर आपको मैनुअली MMC निकाल के या फिर प्रोग्रामिंग वापस से करना होगी, जो कि बहुत डिफ़िकल्टी वाला काम है, तो आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है। आपको ओनली ऊपर ऊपर का ऑप्शन ही यूज़ करना है, गलती से भी ये ऑप्शन ट्रिगर नहीं करना है हमें। देन ये जो नीचे लिखा है Huawei ID रीसेट, ये Huawei के फ़ोन में यूज़ होता है, Huawei के क्वालकम के फ़ोन में यूज़ होता है ये। यहाँ से हम हमारी फ़ोन की ID रीसेट कर सकते हैं, इन मॉडलों में वर्क करता है ये। देन सिक्योरिटी फंक्शन, यहाँ से हम हमारा EDL के थ्रू डायग्नोस्टिक पोर्ट अनेबल कर सकते हैं, और
और डायग्नोस्टिक पोर्ट अनेबल करने के बाद हम IMI रिपेयर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर QCN कर सकते हैं, बैकअप EFS कर सकते हैं, रिस्टोर EFS कर सकते हैं, रीसेट EFS कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो है हम इस डायग्नोस्टिक पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। देन हमारा अगला ऑप्शन है वीवो फास्ट बूट, मतलब जो अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है वीवो के फ़ोन का तो आप फास्ट बूट के थ्रू ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। रीबूट टू EDL सेफ फॉर्मेट कर सकते हो, डाटा बचा के फॉर्मेट करना, देन डिसेट FRP, फॉर्मेट FS, ये सारे आप ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हो। सैमसंग में अब अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो आप इसमें यह सारे मोड यूज़ कर सकते हो। स्पेशल सैमसंग के लिए ऑप्शन दे रखा है, हमें सिंपली हमारे फ़ोन को EDL में कनेक्ट करना है। कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो तो उसे अलग अलग मोड से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि हम FRP रिमूव करना तो हमें रिसेट FRP लिख के, एग्जीक्यूट कर देना है, देन हमें वही फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट कर देना है तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे रीड एंड टूल ऑप्शन की। देन हमें चले जाना है हमारे Xiaomi स्पेशल पे, यहाँ से स्टॉप कर देंगे। देन हमें चले जाना है Xiaomi स्पेशल पे। Xiaomi स्पेशल पे ये जो टैब है ये स्पेशली MI के फ़ोनों के लिए दे रखा है, MI Redmi के फ़ोनों के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे वेरियस ऑप्शन है, जैसे रिबूट टू EDL, आपके फ़ोन को कनेक्ट करके आप EDL पे रिबूट कर सकते हो, रीसेट MI अकाउंट, आपका फ़ोन का MI अकाउंट रिमूव कर सकते हो उसकी, जैसे ये न्यू मेथड है और ये ओल्ड मेथड है, अलग अलग फ़ोन के हिसाब से अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। आपका फ़ोन अगर लेटेस्ट है तो आप न्यू मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन ओल्ड है तो ओल्ड मेथड यूज़ कर सकते हो। देन एंटी रिलॉक कर सकते हो कि आपका फ़ोन डबल से MI अकाउंट से लॉक नहीं हो। देन डिसेबल लॉक्स कर सकते हो, हमारे फ़ोन के जो लॉक्स हैं उनको डिसेबल कर सकते हो। देन यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, ये साइड लोड मेथड के थ्रू हमारे फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। देन अनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, ADB के थ्रू आप हमारा पोर्ट डायग्नोस्टिक पोर्ट अनेबल कर सकते हो, जिससे कि हम IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। देन आता है साइड लोड मेथड, इसको हम यूज़ करते हैं हमारे MI अकाउंट वगैरह रिमूव कर सकते हैं साइड लोड के थ्रू, ADB के थ्रू। तो क्या आप Xiaomi स्पेशल में ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे IMEI रिपेयर करने का ऑप्शन है, देन वाइप EFS वाइप कर सकते हो आप यहाँ से EDL के थ्रू। देन हम यहाँ से नेटवर्क फिक्स कर सकते हैं, अगर आपका वाईफाई नेटवर्क का एरर है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, अगर आपका फ्लैशिंग से इशू होगा तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो उसे। देन यहाँ से हम हमारे फ़ोन को पैच कर सकते हो, यहाँ से हमारा टेम्प्रेरी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, टेम्प्रेरी बूट लोडर अनलॉक करके पैच कर सकते हो। अलग अलग मेथड है, आपको जब हम इसको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अभी अब हम ब्रीफली आपको समझा रहे हैं कि कोई कौन सा ऑप्शन किस काम में आ रहा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके लिए सारी वीडियो आएगी, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। देन हम चल जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन एडवांस फ्लैशर में। एडवांस फ्लैशर में आपको सिंपली यहाँ पर रॉ प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ से आप हम एक ये ऑप्शन का बेनिफिट ये है कि जो हमारी फर्मवेयर फाइल होती है यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट बन के शो हो जाएगी। तो इसमें से आपको अगर कोई सी फाइल एडिट करना है, राइट करना है, इरेज करना है तो आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो, क्योंकि फ्लैशर टूल में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। आप यहाँ से जाके कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, राइट कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे हमारी रॉ प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करके। या आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। देन अगला ऑप्शन है हमारा फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, ये ऑप्शन यूज़ होता है हमारे जो मोबाइल के फर्मवेयर है वो अलग मींस वो हम बोल सकते हैं वो आर्ची में आ रहे हैं, मींस एक्सट्रैक्टेड नहीं आ रहे, तो ये आपको फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है देगा। जैसे APP फाइल में आते हैं ये, आई थिंक नोकिया के फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होती है APP फाइल। देन ये OFP फाइल समझ सकते हैं,
ओप्पो वीवो में यूज़ होने वाली फाइल है, मीन्स ये जो फाइल है ये डायरेक्टली रॉ प्रोग्राम वगैरह शो नहीं करती है, हमें यहाँ से जाके मैनुअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन हम चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन नोकिया NBD फ्लेजर, यहाँ से हम सिंपली नोकिया के फ़ोन वगैरह फ्लैश कर सकते हैं, जो कि आजकल इतने नोकिया का फ़ोन्स आते तो नहीं है, फिर भी आप यहाँ से ऑप्शन दिया है नोकिया के क्वालकॉम फ़ोन फ्लैश कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे भी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे और फ्लैश कर देना है। देन हमारा ऑप्शन है शाओमी फास्ट बूट फ्लैशर, ये ऑप्शन है कि हमारा जो MI का फ़ोन है अगर उसका बूट लोडर अनलॉक है तो हम यहाँ से फास्ट बूट के थ्रू हमारा फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, और यहाँ से हम हमारा MI अकाउंट भी अगर लगा हुआ है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। ये तभी होगा अगर जब हमारा बूट लोडर अनलॉक हो, नहीं तो ये वर्क नहीं करता है। ये ऑप्शन है हमारा मोटो बूट रिपेयर, अगर मोटोरोला का फ़ोन है आपके पास तो हम यहाँ से उसका बूट वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतने मॉडल दे रखे हैं, यह मॉडल का यहाँ से फिर्मवेयर सिलेक्ट करके हमारा जो बूट रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं ऐसे टेलीकॉम से, तो हम आपको जो स्किल है वो नेक्स्ट लेवल की देने वाले हैं, एकदम एक्सपर्ट लेवल की देने वाले हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते आपको वो वाला नॉलेज मिलने वाला है। आप सोचिए, हम जो फ्रेशर स्टूडेंट है, मतलब जिसने ओनली मोबाइल का ना आज तक नट खोला है, चार्जिंग जैक चेंज किया है और स्क्रीन चेंज की है, उसके अलावा उन्हें IC को उठाया तक नहीं, इवन IC के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उससे चौथे दिन में गारंटी एकदम हम पढ़ाते नहीं है, मतलब टीचिंग नहीं कर देते, ओनली गारंटी देते हैं कि गारंटी से आप चौथे दिन CPU निकालोगे, और हम ऐसा मनी बैक गारंटी देते हैं, अगर चौथे दिन CPU नहीं निकला तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। ये जो गारंटी देने का लेवल है ये सिर्फ ऐसे टेलीकॉम के पास है, जो इंडिया का मतलब नंबर वन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी गारंटी दे सकता है कि आप चौथे दिन अगर आप CPU नहीं निकाल पाए तो आपकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाएगी और आपको घर पहुंचा दिया जाएगा। तो मींस ऐसे टेलीकॉम मींस ट्रस्ट होता है हमारे यहाँ। जैसे आप समझते हैं ना, कोई कोई इंस्टीट्यूट आजकल बहुत इंस्टीट्यूट हो गए हैं, चीप वाले इंस्टीट्यूट जो कम कम पैसों में पढ़ाते हैं, तो आप ही सोचिए कि जैसे एक मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक एक तरफ आईफोन है, मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और एक तरफ है आपका आईफोन का क्लोन है। आईफोन का क्लोन आप समझते होंगे जो चाइनीज में बनता है, दिखते दोनों सेम है, बाकी आप लेते हमेशा आईफोन ही हो, क्लोन क्यों नहीं लेते? अगर क्लोन लेंगे तो उसमें कुछ चलेगा नहीं, क्लोन के अंदर क्या ही चलेगा, वो जस्ट ओपन करेंगे तो ग्लिच आएगा, फर्जी एप्पल लोगो आएगा, फिर कुछ चलेगा नहीं, कुछ चीज़ ओपन नहीं होगी, तो वो चीप रहता है। आप अब उसका भी क्लोन है, आप ऐसा उसमें क्यों नहीं सोचते कि मैं ये क्लोन ले लेता हूँ, मेरा सस्ते में काम हो जाता है, मेरे को सस्ते में मोबाइल दिख रहा है। आप आईफोन ही लेंगे ना, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो आपको फीचर्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा। तो इसी तरह ऐसे टेलीकॉम भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग, ये है ना क्लोन नहीं है किसी चीज़ का, ये आपको फर्जी चीज़ें नहीं दे रहा है, आपको ऐसा बोल के आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आपको यहाँ पे बुला के टाइम पास नहीं करा रहा है। ऐसे टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेम डे प्रैक्टिकल करा के देता है और गारंटी भी देता है। जैसे हमारी थ्योरी क्लास होती है सुबह, तो सुबह जैसे थ्योरी क्लास होगी ना वैसे ही उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चालू हो गए, और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब 2-3 घंटे प्रैक्टिकल करा लिए फिर बोल दिया घर चले जाओ, हॉस्टल चले जाओ और रेस्ट करो। हमारे ऐसा है कि जो क्लास होती है हमारी 14 घंटे की क्लास होती है, और बैक टू बैक क्लास होती है, जैसे थ्योरी क्लास हुई फिर आपको मतलब थ्योरी क्लास के बाद जो भी ब्रेक रहता है हमारा खाने का, और उसके बाद जस्ट थ्योरी क्लास के बाद जस्ट आपके प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल भी ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल भी आपको उसके अंदर एक टीचर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया है, आप लैब में बैठे हुए हो और आपकी बातें चल रही है, कुछ भी कर रहा है, एक डेडिकेटेड टीचर रहता है, एक्सपर्ट टीचर रहता है, जो इंडिया का सबसे नंबर वन टीचर है, वो टीचर आपके पास रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल कराएगा, जो आपने थ्योरी में आज पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइव करके देखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे और उसको अच्छे अच्छा सा अपने स्किल में लाओगे, और जब जाके आपको आउटपुट मिलता है। ऐसा अब क्योंकि हमें नंबर वन रहना है, हमें एप्पल रहना है, हमें क्लोन नहीं बनना ना, इसलिए हम ओरिजिनल है, ओरिजिनल बन के रहते हैं। तो
तो इसलिए हमारी फीस भी जो है वो है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है आपको मेस और जो रहने का रहता है आपको रेसिडेंशियल और मेस दोनों फ्री देता है। अब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप जैसे बड़े बड़े जगह पे जा रहे हो, आप इससे जितना कि फीस नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आप रहने खाने में खर्च कर देते हो। ऐसे टेलीकॉम आपको वो चीज़ें भी एब्सोल्युटली फ्री दे रहा है। और अभी के जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट बैच हमारी आने वाली है 28 जून की, गिफ्ट समझ सकते हैं आपके लिए एक ऑफर एशिया टेलीकॉम निकाल रहा है एक्सक्लूसिव फॉर 28 जून के स्टूडेंट के लिए। आपको आईफोन का जो कोर्स है ना, प्रीमियम कोर्स है ना, वो एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं, और ये सिर्फ 28 जून के बैच के लिए रहने वाला है। जो प्रीमियम कोर्स है, जो हमारा कोर्स है 20-25 हज़ार रुपये का, वो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, क्योंकि एशिया टेलीकॉम सोचता है अपने स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट इतना दे के आ रहा है तो हमें भी कुछ उसको इनकरेज करने के लिए कुछ देना चाहिए। और ऐसे टेलीकॉम देने वाला है हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार 5G अपडेट। जैसे आप पढ़ के जाएंगे, आपको जो प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको 3 महीने बाद 5G का अपडेट मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल दी जाती है, जो हमारे ऐसे टेलीकॉम के ऑफिशियल ऐप से रहने वाला है। तो आपको उसका कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सारे अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कुछ भी आप जैसे पढ़ के चले गए, आपको कुछ अपडेट्स चाहिए, तो आपको जो भी अपडेट्स है वो ऐप पे रेगुलरली मिलता रहेगा। हमारी ऐप अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ही हमारी ऐप रिलीज़ हो जाएगी तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ऐसे टेलीकॉम ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए आप स्टूडेंट आ गए तो आपको बोल दिया हाँ भैया आ गए पढ़ा दिया, और फिर जाने के बाद ऐसा बोल दिया कि जाओ भैया आप घर जाओ। ऐसे टेलीकॉम देता है आपको लाइफ टाइम का बैकअप सपोर्ट, साल में 24 बार आ सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम है, बस जस्ट प्रॉब्लम है, आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हम ऐप के सारा सपोर्ट तो देते ही देते हैं, कॉलिंग सपोर्ट तो देते ही देते हैं, और अपडेट क्लास का सपोर्ट भी देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है आप कुछ मत कीजिए, आप सीधे अपना टिकट बुक करिए और आ जाइए ऐसे टेलीकॉम में, आपको बैक टू बैक सॉल्यूशन दिया जाएगा और एंडलेस सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैकअप के स्टूडेंट है तो आपको बिठा के रख रहे हैं कर रहे हैं, आपको डेडिकेटेड टीचर देगा आपकी क्लास में और आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 7000731192 MD सर को, और ये जो स्पेशल ऑफर है आईफोन स्पेशल कोर्स का, ये आपको ये मंथ में मिलने वाला है, अदरवाइज आप अगले मंथ आओगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द आए और ये बैच ज्वाइन करें। थैंक यू टीम एज ए टेलीकॉम।